वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जितने भी हिंदू हैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों भाई अब तो बड़ा स्वाद आ गया होगा तुम लोगों को, बहुत मजे आ गए होंगे अब तो। योगराज सिंह ने किसान आंदोलन में तुम्हारे घर की औरतों को 2-2 टके में बिकने वाली औरतें बता दिया, अब तो बड़े खुश हो रहे होंगे तुम, मजे आ रहे होंगे तुम्हें। वहां पे तुम लोग भी थे जब योगराज सिंह ने ये स्टेटमेंट दिया किसान आंदोलन के अंदर, हिंदुओं की औरतें 2-2 टके में बिकती थी और उनको हमने बचाया। तू साले पहले अपना घर तो बचा ले योगराज सिंह, तू क्या हिंदुओं की औरतों को बचाएगा, तू तो उनके नाम पे दाग है जिन्होंने बचाया होगा। लेकिन ये क्या स्टेटमेंट है यार कि 2-2 टके में बिकती थी उनकी औरतें, और तुम लोग वहां खड़े होके तालियां बजा रहे हो, वाह, क्या मतलब जमीर मर गया तुम लोगों का, कुछ गैरत बाकी है? जितने भी हिंदू लोग हो कब जागोगे यार, तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो? अपने घर से जब निकलोगे ना किसान आंदोलन जाने के लिए ट्रैक्टर लेके गाड़ियां लेके, तो कम से कम अपने घर में बता के जाना अपनी माँ और बहनों को कि तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वहां के लोग। वो पहुंचा हुआ है बॉक्सर विजेंद्र सिंह वहां पे स्टेज पे, कह रहा कि मैं अवार्ड वापस करूंगा। अरे तुम्हारी औरतों को 2 टके का बता दिया उन्होंने, क्या अवार्ड वापस करोगे तुम, तुम्हें तो साला मिलना ही नहीं चाहिए था, ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी। लेकिन अभी किसान आंदोलन रहा नहीं है, इसको हाईजैक कर लिया अब तो, अभी भी टाइम है, जाग जाओ, सुधर जाओ, लोगों के बहकावे में मत आओ। जिनकी सरकारें चली गई हैं वो हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि वापस वो सत्ता में आए। तुम्हें पता है पंजाब का किसान पूरे इंडिया का सबसे रिचेस्ट किसान है, पता है तुम लोगों को? नहीं पता होगा ना, पता करो इन चीजों को, फैक्ट को जानो, कितनी चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी है, ना सिर्फ इस गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कराई होंगी। लेकिन ये क्या मुद्दा हुआ यार? और दिल्ली वालों तुम क्या यार, क्या लोग हो तुम? कोई भी तुम्हारे घर में कभी कोई रोड रोक के बैठ जाता है, कभी कुछ कोई कुछ करके बैठ जाता है, अब तुम्हारे बॉर्डर सील कर दिए, कल को तुम्हारी गलियां सील कर देंगे, तुम्हारा खाना पीना बंद कर देंगे, तुम क्या सोती रहते हो क्या? अपने घरों से निकलो और अपोज करो, विरोध करो। जो किसान है वो किसान है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो किसान नहीं है और वो सिर्फ अपने मुद्दे लड़ रहे हैं, अपने फायदे की चीजें लड़ रहे हैं, इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।